और ये भी जान लें, देखो हमारा भारत देश तो कर्मों के सिद्धांत में पूरी तरह विश्वास रखता है। यहाँ पुण्य और पाप की चर्चा सबसे ज्यादा है संसार में, और हम सब भारतवासी पुण्य की ओर जागर रहे हैं। अब हमें ध्यान देना है ये सुख सम पाप कर्म भी हमसे न हो। दूसरों को कष्ट दे देना, दूसरों की खुशी छीन लेना, कटु वचन बोलकर दूसरों की शांति नष्ट कर देना, ये भी पाप हैं, ये सूक्ष्म पाप हैं। तो एक परिवर्तन सभी करेंगे, सुखदायी वचन बोलेंगे, सुखदायी बोल बोलो। स्वीकार है? जो आज से करेंगे जरा हाथ उठा दो, पक्का? देख लेना ऊपर वाला देख रहा है, आजकल ये बहुत चलता है, ऊपर वाला देख रहा है। फिर किसने कहा ऊपर वाला बिना आंखों के भी देख लेता है? इसलिए सभी बस आज से प्यार से बात करें, प्यार से बोलने में तो कुछ खर्च भी नहीं होता। माताएं भी अपने बच्चों का कुछ कुछ नाम रख देती है ना, मेरा बच्चा तो शैतान है, गीता बहन ज्यादा बताएगी, मेरा बच्चा तो बिच्छू है, बहुत तंग करता। मैं एक छोटी सी कहानी सुना दूं, मुझे फटनगर में हम आए तो हमारे बहुत सारे रिलेटिव भी हैं, एक का घर पास ही था, कहा हमारे घर चलो। मैं तो कभी गया नहीं था, मैं उसे जानता भी नहीं था क्योंकि मैं तो 50 साल से उधर हूँ। गए तो छोटा बच्चा होगा 7-8 साल का, कहा मेरे इस बिच्छू को भी सुधार के जाओ। अब वो बेचारा उसके कपड़ों से लिपट गया लज्जा से, मेरी माँ मुझे बिच्छू कह रही है। मैंने कहा इसका नाम तो कुछ होगा, नाम बताओ क्या है इसका। कहा इसका नाम मैंने बिच्छू ही रखा हुआ है, डंक मारता रहता है मुझे। तो मैंने कहा नहीं,